हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंजनेयास किचन वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी, सूजी का हलवा। आप इसे नवरात्रे में अष्टमी और नवमी को बनाते हैं। माता के प्रसाद में भी ये सूजी का हलवा बनता है। ये बहुत ही आसानी से और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आज हम बनाएंगे हलवाई के तरीके से। जैसे हलवाई बनाते हैं माता के प्रसाद में, वो बहुत ही टेस्टी होता है। आज हम हलवाई वाले तरीके से एक ही बार में परफेक्ट हलवा बनाकर तैयार करेंगे। इसे बिगनर्स भी एक ही बार में परफेक्ट हलवा बना सकते हैं। बस आप एक बार ये पूरी रेसिपी देखिएगा, इसमें आपको सारी बातों का, सारे सीक्रेट का पता चलेगा कि कैसे हलवा परफेक्ट बनाया जाता है, हलवाई किस तरीके से हलवा बनाते हैं। सबसे पहले हम हलवे का सामान देखेंगे। जितनी हमें सूजी लेनी है उसी के बराबर ही हम चीनी और घी का यूज़ करेंगे। आप कोई एक कटोरी ले लें या कोई एक बर्तन का यूज़ करें, जिस भी बर्तन का आप यूज़ करेंगे उसी के बराबर सूजी लेनी है और उसी के बराबर ही घी और चीनी दोनों बराबर रखने हैं। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है, मोटी सूजी का यूज़ नहीं करना। अगर आप मोटी वाली सूजी का यूज़ कर रहे हैं तो एक बार मिक्सी के ग्राइंडर में चला कर उसे बारीक कर लें। हलवा हमेशा बारीक सूजी का ही बढ़िया बनता है। मोटी वाली सूजी इडली बनाने के काम आती है। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और गैस फ्लेम को करते हैं फुल और उसमें डालते हैं घी। घी को हम थोड़ा सा बचा लेंगे, ये हमें बाद में काम आएगा, इसे हम बाद में देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। जब घी गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही भूने, क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो यहीं पर ही है। अगर आप भूनते वक्त तेज़ गैस पर भूनते हैं तो सूजी जल जाएगी और टेस्ट हलवे का बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा धीमे धीमे और आराम से ही हमें ये प्रक्रिया पूरी करनी है, सूजी को भूनना है। जितने आप प्यार से और धीरे धीरे सूजी को भूनेंगे उतना ही हलवा में ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसीलिए मीडियम गैस पर ही धीरे धीरे बड़े आराम से सूजी को भूने। जब सूजी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएं इस तरीके से, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे हलवे को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक सीक्रेट चीज़, और वो चीज़ है बेसन। जब भी हलवाई माता का प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद बनाते वक्त सूजी में बेसन ऐड करते हैं। इससे सूजी का हलवे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ 200 ग्राम सूजी में 2 चम्मच बेसन की ऐड की हैं। अब हम बेसन और सूजी दोनों को 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। देखिए इसमें बबल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी में बबल आ रहे हैं। अब जब तक ये बबल आ रहे हैं इसका मतलब सूजी कच्ची है। जब ये बबल्स आने बंद हो जाएं और घी सेपरेट होने लगे तो इसका मतलब सूजी बिल्कुल भुन चुकी है, उसमें से भीनी भुनी खुशबू भी आने लगेगी। जब हमारे सूजी में से भीनी भीनी खुशबू आने लगे और बबल्स हट जाएं, सेपरेट हो जाए घी, तब आप सूजी को समझिए भुन गई और गैस फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बबल्स निकलने बंद हो गए हैं और घी जो है वो सेपरेट हो चुका है और खुशबू भी अच्छी आ रही है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है सूजी का। देखिए हमने स्लो फ्लेम पर ही, देखिए इस तरीके से इसे भून लिया था, और अब हम स्लो फ्लेम करेंगे और उसी में ऐड करेंगे हमारे जो भी आप यूज़ करें ड्राई फ्रूट्स, और उन्हें 1 मिनट के लिए इसी तरह से इसी में फ्राई कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स इसी घी में ही फ्राई हो जाएंगे, इन्हें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में ही हमारा हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो जाएंगे। अब हम एक भगोने में पानी लेंगे। जितनी हमारी सूजी है उसका 3 गुना हमें पानी लेना है और उसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची, और गैस फ्लेम को रखेंगे हम फुल और तभी ऐड करेंगे उसमें हम किशमिश, ताकि किशमिश थोड़ा सा फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए, और तब हम ऐड करेंगे इसमें चीनी। जिस कटोरी के बराबर हमने सूजी ली थी उसी कटोरी के बराबर, उसी सूजी के बराबर हम चीनी यूज़ करेंगे।
अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीनी डाल दें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सबको मेल्ट करेंगे। हमें ये पानी बॉईल नहीं करना, बस चीनी को मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और पानी भी बॉईल नहीं हुआ है। तो अब हम इस स्टेज पर गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम चीनी वाला पानी हलवा बनाने से पहले ही बनाकर रेडी करके रख लेंगे और जब हमारा ये सूजी भुन जाएगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हाथ से हिलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से पानी डालते जाएंगे। हमें एक साथ सारा पानी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही हमें ये मिक्स करते जाना है। और आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत ही जल्दी पानी एब्जॉर्ब करने लगी है। देखिए, इसी तरीके से हमें पानी डालते जाना है और सूजी को चलाते जाना है। आप देखेंगे कि 5 मिनट में ही हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा और सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। आप हलवा ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट ही ऐसे चलाते हुए कंटिन्यूसली बनाया है। और आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी कच्ची सी है क्योंकि हमें सारा पानी ऐड करना है। तो अब हम इस स्टेज पर बचा हुआ जितना भी हमारा पानी है सारा पानी एक साथ डाल देंगे। सारा पानी एक साथ डालने के बाद अब हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे कंटिन्यूसली ही चलाएंगे, या आप इसे ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे बिना ढके ही पका रही हूँ। लगातार चलाते हुए आप इसी तरह से लगातार 2 से 3 मिनट चलाएंगे तो हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। मुझे 4 मिनट हो चुके हैं इस तरीके से लगातार चलाते हुए। आप देख सकते हैं कि घी सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब अब हमारा हलवा बनकर रेडी होने वाला है। और देखिए, किनारों से भी बिल्कुल हलवा चिपक नहीं रहा है, एकदम सेपरेट हो जाता है। आप जब हलवा से घी अलग होने लगे तो आप समझिए कि हलवा बिल्कुल बन चुका है। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरीके से 1 मिनट हलवे को चलाएंगे। देखिए, किनारों से घी सेपरेट होने लगा है और हलवा भी बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, किनारों पर बिल्कुल भी हलवा लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है और परफेक्ट बना है। देखिए, जब हलवा ठंडा होने लगता है तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हलवा ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट रहे, तो उसके लिए जो हमने घी बचाया था उस घी को हमें अब लास्ट में यूज़ करना है। जब हलवा बिल्कुल बन जाए तो उसके ऊपर से हम बचा हुआ घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हलवा ठंडा होने के बाद भी लंबे समय तक हलवे में ताजगी बनी रहेगी और हलवा टाइट भी नहीं होगा और एकदम रसीला रहेगा। तो इसीलिए लास्ट में थोड़े से घी का यूज़ ज़रूर करें और इस तरीके से चलाएं। और अब आपका हलवा बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे हलवा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरीके से हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत पसंद आएगा और आप हर बार इसी तरीके से हलवा बनाएंगे। अब आप गरम गरम हलवा सर्व कर सकते हैं। चाहे आप इसे डेली यूज़ में बनाइए या कन्या पूजन में बनाइए, आप इसे अष्टमी के दिन, नौवीं के दिन या किसी भी त्यौहार पर जब भी आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।